संतान सप्तमी की कथा सुनते ही होंगे चमत्कारिक फायदे। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतान सप्तमी की एक कथा ऐसी है जिसकी कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि उनके घर में अभी तक पुत्र या पुत्री या कोई भी संतान नहीं है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही वो यदि कोई भी मन में कामना लेकर के इस व्रत को या कथा को सुनते हैं तो निश्चित तौर से उनकी समस्त कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार हम आपको पूरी सुनाने जा रहे हैं। आप इसे पूरी पूरी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बीच में कथा को अधूरी नहीं छोड़ना है। पूरी कथा अंत तक आप सुनेंगे, ध्यान लगा करके, मन लगा करके, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ, तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेगी। संतान सप्तमी का व्रत और कथा भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, इसलिए जब आप कथा श्रवण करें तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मन में स्मरण करते रहें। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेगी, क्योंकि जीवन में जिसको संतान प्राप्त हो गई है उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो आप भी इस कथा को पूरी पूरी श्रवण अवश्य करें। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभो, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर के वे पुत्र और पौत्रवान हो जाए, उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक मन लगा करके इसको सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव जी के और देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया गया। उनकी पूजा की गई, फिर मुनि के चरणों दक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया गया। वह प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उनको संतति का सुख प्राप्त हुआ था। और इस कथा को सुनने से संतान प्राप्त ही नहीं होती वरन संतान की उन्नति और प्रगति भी होती है। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनिवर से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में शंकर भगवान एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर के स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत एवं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का चंदन अक्षत गंध पुष्प आदि से विधि विधान से शंकर पार्वती का पूजन कर रहे हैं। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन का जो है मन संकल्प लिया और मन में निश्चय कर लिया कि हम दोनों भी इस व्रत को अवश्य ही करेंगे और वापिस अपने घर को लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद और राज अहंकार के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी नहीं करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद
दोनों जो है मर गई, अर्थात दोनों की मृत्यु हो गई। रानी और ब्राह्मणी दोनों की मृत्यु हुई और दूसरे जन्म में रानी तो जो है एक बंदरिया बन गई और वह ब्राह्मणी जो थी वह मुर्गी बन गई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भूल नहीं पाई और भगवान शंकर जी और माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर जो बंदरिया बन गई थी रानी, वह सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह शरीर भी त्याग दिया, अर्थात बंदरिया और मुर्गी की भी मृत्यु हो गई। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या का रूप धारण किया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख अर्थात भगवान शिव की पूजा से जो विमुख हो चुकी थी रानी, उसके गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी जो प्रीति पहले जन्म में थी, अब वह इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके यहाँ गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन, अल्पवायु वाला अर्थात कम उम्र वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इससे किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मचित भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उसके मन में जलन अर्थात ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिला करके उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देख करके तो रानी अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली कि मैंने जहर मिला करके लड्डुओं में इसके बच्चों को खिलाया, लेकिन फिर भी इसका एक भी बच्चा नहीं मरा। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला करके लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से कोई भी पुत्र जो है लड्डू खा करके नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान किया है, कौन सा पुण्य किया है, कौन सा भारी तप किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुखों को भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद तू मुझे निष्कपट होकर के बता और समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी की ऐसी दीन वचन को सुन करके भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम जो है राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था, मैं ब्राह्मणी थी, तुम रानी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी और तुम्हारी बड़ी ही प्रीति थी, अर्थात हम दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन हम दोनों जो है सरयू नदी के किनारे पर गई। वहां दूसरी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत अनुष्ठान कर रही थी और भगवान शंकर जी का पूजन अर्चन करते हुए देखा था। हमने इस उत्तम व्रत को वहीं पर करने का संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम तो सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी इस कष्ट को, इस पीड़ा को भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी लगातार करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म प्राप्त कर लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही।
तुम अपनी बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने संतान सप्तमी के व्रत का अपमान कर दिया है। तुमने जो है उस नियम का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि को सुन करके रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण सुख को भोग करके रानी जो है शिवलोक को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य को भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा को सुन करके देवकी ने लोमस ऋषि के आगे हाथ जोड़ लिए। लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि और आदि सारे विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। यह सुनकर के बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, जिसे संतान सप्तमी कहा जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति एक चौकी के ऊपर स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी तारों तथा रेशम का एक गंडा बनावे और सूत का गंडा भी बना सकते हैं, जो कच्चा सूत बाजार में मिलता है। 7 गांठें इसमें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बना करके, माल पुए जो कि बनाए जाते हैं आटे से, बना करके भगवान को भोग लगावे और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोना चांदी और अन्य धातु या फिर कोई और दक्षिणा रख करके तांबे के पात्र में रख करके षोडशोपचार उनका पूजन करें तथा किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र और विद्वान ब्राह्मण को दान देवे या फिर मंदिर में दान कर देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार कुल जो है 14 पुए का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति वर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन है देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित वर्णन किया है, अब तुम नियम पूर्वक इस व्रत को करना, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ पुत्री की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर के चले गए। ऋषि के कथना अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उनके घर में उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, किंतु पुरुष भी इसके लिए जो है समान रूप से भागी और कल्याणदायक होते हैं। पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। संतान सुख को देने वाले इस व्रत से जो है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत उत्तम है और स्वयं भी करें और दूसरों को भी करें और कथा स्वयं भी श्रवण करें और दूसरों को भी इस कथा को सुनावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही वह अमर पद को प्राप्त करके शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।
तो मित्रों, हमने आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाई है। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।